वेलकम टू MBBS डायरेक्ट। और अभी मैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में हूँ, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में, और मैं यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका वेट कर रहा हूँ। वी हैव ए मीटिंग विथ हिम। तो उस दौरान मैं ये सोचा कि मैं अभी यूनिवर्सिटी 2 दिन से घूम रहा था, तो मैं सोचा कि बच्चों के साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँ, कि यहाँ के रिव्यू शेयर करूँ कि कैसी यूनिवर्सिटी है ये। तो देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। उसके अलावा आपको बैंक्स आपको मिल जाएंगी यूनिवर्सिटी के अंदर में। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी की जो कैंपस है ना, वो बिल्कुल सी से लगी हुई है, एंड वी हैव ए बीच ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको बीचेस भी मिल जाती है, आपको बैंक की फैसिलिटीज मिल जाती है कैंपस के अंदर ही, और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबवे भी है, जहाँ पे कि आप कुछ फूडिंग वगैरह खा सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए, इसका निष्कर्ष ये है कि जब हम किसी यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस हमारी सिक्योर हो, सिक्योरिटी वाइज। क्योंकि जो भी गार्जियन है हमारे इंडिया में, उनका यही मेन कंसर्न होता है कि मेरे बच्चे या बच्चियों के लिए सिक्योरिटी कैसे होगी। तो यहाँ 2 लेयर सिक्योरिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कहीं भी मूवमेंट कर रहे हैं तो आप कैंपस के अंदर में ही हैं, और सारी चीज़ें एक ही जगह है। जैसे कि आपकी डोम्स हो गई, उस अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी क्लासेस जो हो रही है वो हो गई, बैंक्स हो गई, या अदर जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, आपको हर जगह मूव ऑन नहीं करना पड़ेगा। ये सारा एक कैंपस के अंदर में ही है। जो बच्चे मान लीजिए खाने का सोच रहे हैं कि मेरा फूडिंग क्या होगा, मैं कैसे खाना खाऊंगा, तो डोम्स में इन्होंने सेपरेट किचन भी दिया हुआ है, और जो डोम्स होती है उसके बगल में इनकी सेंटर्स भी होती है, फूडिंग सेंटर्स या ग्रोसरी सेंटर्स, जहाँ से आप अपना सामान भी खरीद सकते हैं खाने पीने का। तो ये एक ओवरऑल व्यूज हो गई कि क्या फैसिलिटीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारी क्वेश्चंस हमारे पास आती है कि सर यहाँ पे जिम है कि नहीं, स्पोर्ट्स सेंटर है कि नहीं, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर सकता हूँ कि नहीं। तो देखिए, ये जो बात है ना, अगर मैं यहाँ पे किसी बच्चे से पूछूंगा, तो आई थिंक ये मेरा फिर यहाँ पर हो सकता है कि वो बच्चे यही सोचेंगे कि आई थिंक इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को अच्छे से देखा ही नहीं है। बिकॉज ये ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहाँ पे कि आप A to Z की ग्रेडिंग की जो भी गेम्स होती होगी ना, वो सारी गेम्स यहाँ पर मौजूद है। बच्चे यहाँ पे टेनिस खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं, बच्चे यहाँ पे वॉलीबॉल भी खेलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर तरीके की जो फैसिलिटेटेड जिमनेजियम होती है, उस टाइप की भी फैसिलिटीज यहाँ पर है। तो इट इज़ वेरी वेरी सिक्योर जिम है। तो आप जब यहाँ पे आते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि यस, दिस इज़ ए कंप्लीट यूनिवर्सिटी, बिल्कुल कंप्लीट है, कहीं से भी आपको कोई कमी दिखेगी नहीं। और देखिए, मैं यही सोच रहा था, ये मेरी अपनी पर्सनल व्यूज हो सकती है, तो मैं बस आपसे शेयर कर रहा हूँ ये, कि ये यूनिवर्सिटी जो है ना, ये जापान के पास है, तो दिस इज इन द फारेस्ट पार्ट ऑफ रशिया। तो थोड़ा सा लोगों को ये लगता है कि मैं इतनी दूर अपने बच्चे को भेज रहा हूँ। तो देखिए, ये तो ऑब्वियस है कि एजुकेशन है, तो एजुकेशन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप MBBS के कोर्स में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ें हैं, आप अगर फारेस्टन पार्ट में भी रशिया के आते हैं, तो वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैसिलिटीज। मैं मॉस्को भी गया हूँ, बट मैं जब इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ, तो मेरी सारी की सारी व्यूज चेंज हो गई है। मैं इन चीज़ों को आपको अपने दावे से बोल सकता हूँ कि आप जब इस यूनिवर्सिटी में आएंगे, तो इस तरीके की जो फैसिलिटीज हो गई, इस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, इस तरीके की जो व्यूज हो गई, वो आपको मॉस्को में भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। दिस इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट यूनिवर्सिटी। इसकी कैंपस इतनी बेहतरीन है, चारों तरफ आपको सी से ये घिरा हुआ है, एक आइलैंड पे है ये यूनिवर्सिटी, हवा बिल्कुल क्लीन है, यू विल फाइंड ग्रीनरी एवरीवेयर, हर जगह आपको ग्रीनरी दिखेगी। एंड मुझे आश्चर्य ये भी लगा कि ये मोस्ट अंडररेटेड यूनिवर्सिटी है। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि फार ईस्टर्न मुझे मूव ऑन करना चाहिए MBBS की एजुकेशन के लिए। तो मतलब मैं जैसे कि कल भी आया हूँ, तो मान लीजिए हम लोग यूनिवर्सिटी की पूरी वीडियोस बना रहे थे, टूर्स बना रहे थे, तो मैं वही रात को भी सोच रहा था ये चीज़ कि व्हाट कैन बी द रीज़न, क्या रीज़न हो सकता है कि ये अंडररेटेड हो सकता है, ये कि
बच्चों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, ज़्यादा इस यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोस नहीं बनी हो, उनको इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया हो, तो दिस कुड बी द रीज़न। देखिए अंडररेटेड है, बट अंडररेटेड होने के बावजूद भी ये यूनिवर्सिटी आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए MBBS प्रोग्राम के लिए, इंडियन बच्चों के लिए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आप जब आते हैं तो मल्टीकल्चर डाइवर्सिटी, मतलब आप हो सकता है चाइनीज बच्चे के साथ भी रहेंगे, वियतनामीज के साथ भी रहेंगे, कुछ यूरोपियन यूनियन के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर आपको सीखने के लिए मिलता है। तो दिस इज द फाइनेस्ट थिंग आई हैव सीन। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि रूम पार्टनर आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही मिलेंगे, हो सकता है कि आपको रूम पार्टनर कोई दूसरे देश के भी बच्चे मिल सकते हैं। तो यही इसी देखिए यही हमें कल्चर सीखनी होती है, यही डाइवर्सिटी होती है। तो दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतरीन है। एजुकेशन को हम ले ले तो देखिए कंप्लीट इंग्लिश मीडियम है, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, और लास्ट बैच जो इसकी पास आउट हुई है ना, इनकी जो FMG पासिंग परसेंटेज मोर देन 90% है। और मुझे ये भी पता चला है कि काफ़ी बच्चों ने यहाँ से UK की जो एग्जामिनेशन है लैब, वो भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम है, फैकल्टीज काफ़ी अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में नहीं आने वाली है। तो डेफिनेटली आपका चॉइस फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी MBBS प्रोग्राम के लिए होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इतना एक्सपीरियंस आई थिंक काफ़ी है। हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है इसके जस्ट ही आप रोड पार करेंगे तो दे हैव बायोमेडिसिन डिपार्टमेंट, और साथ साथ बायोमेडिकल डिपार्टमेंट एंड जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट, और उसी से अटैच्ड एक हॉस्पिटल भी है, तो आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाती है। हाँ हेल्थ को लेके अगर कोई कंसर्न है तो मैं आपको बताऊँ मेडिकल इंश्योरेंस तो होती ही होती है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डोम्स में भी फैसिलिटीज़ है कि आपको दवाइयाँ मिले ये मिले, और ज़्यादा कंसर्न की बात है तो यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है, तो यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैसिलिटीज़ इन द कैंपस ऑनली। तो बस यही मेरी अपनी एक्सपीरियंस थी। बाकी आप MBBS डायरेक्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप हमारे काउंसलर से बात करिए, उनसे सारे क्वेश्चंस को पूछिए, और बाकायदा जो बातें मैंने बोली ना आपको वो सारी चीज़ें आपको विकिपीडिया पे भी अवेलेबल होगी, तो आप सारी चीज़ों को वहाँ से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।